जब आप बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अक्सर आपसे कहता है आ करो, जुबान दिखाओ, फिर मुंह में टॉर्च डालकर वो आपकी जुबान का मुआयना करता है। कई बार तो बस जुबान देखकर ही उसे पता चल जाता है कि परेशानी क्या है। पर ऐसे कैसे, आखिर जुबान में ऐसा क्या है कि इसे देखते ही पता चल जाता है कि शरीर में क्या गड़बड़ है। आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानते हैं कि जुबान सेहत के जुड़े राज कैसे खोलती है। अगर आपकी जुबान पीली, सफेद या फिर गुलाबी दिखती है तो इसका क्या मतलब है, सुनिए। हम सबको मालूम है कि जबान हमारे पेट तक जाने का जरिया है, लेकिन क्या हम सबको ये मालूम है कि अपनी जबान अपनी सेहत का राज बताती है? डॉक्टर्स सिर्फ हमारी जबान देखकर बता सकते हैं कि हमको किस प्रकार की बीमारियां हो सकती है। जैसे कि एक नॉर्मल जबान किसे बोला जाता है, जब आपकी जबान गुलाबी रंग की हो उसका मतलब कि आपकी जबान नॉर्मल है और आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है। पर जब यही जबान में कुछ फर्क दिखने लगता है इसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ जख्म है जिसे पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपकी जबान आपको लाइट गुलाबी रंग की लगने लगे, जैसे पेल जबान बोलते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि आपके शरीर में खून की कमी है। उसी प्रकार जब आपकी जबान बहुत ज्यादा लाल लगने लगे, बहुत ज्यादा तीखा लगने लगे, जबान खुरदुरी लगने लगे, इसका मतलब कि आपके शरीर में विटामिन की कमी है। एक और प्रकार की जबान होती है जिसमें आपकी जबान पीली दिखने लगती है, ये ज्यादातर डायबिटीज के मरीज में होता है या फिर उनमें जिनको पीलिया हुआ रहता है, जिसे हम जॉन्डिस बोलते हैं। एक और प्रकार की जबान होती है जिसमें आपके जबान पे एक सफेद परख आ जाता है, जबान मोटी हो जाती है। ज्यादातर ये जबान आपको पेट के इन्फेक्शन में दिखाई देता है, जिसे हम या तो गैस्ट्रो बोलते हैं या कोलाइटिस बोलते हैं या फिर टाइफॉइड जैसी बीमारी बोलते हैं। काफी बार आपकी जबान में सफेदी की परख फंगस के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। कुछ ऐसी जबान होती है जिसमें आपको जबान काली या बैंगनी कलर की लगने लगती है, ये ज्यादातर आपके शरीर में इन्फेक्शन होने की वजह से या फिर केमिकल के ओवरडोज होने की वजह से भी लग सकता है, जैसे कि जिंक, कॉपर, सेलेनियम। तो ज्यादातर जो लोग केमिकल वर्कर्स होते हैं, जो केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं या आसपास रहते हैं, उनको ओवरडोज की वजह से जबान ऐसी दिख सकती है। एक और प्रकार की जबान होती है जिसमें हमें काफी बार छाले लगने लगते हैं, ये छाले या तो आपके शरीर में विटामिन की कमी की वजह से हो सकती है या फिर आपको दांत की कोई प्रॉब्लम है जिससे वो दांत लग लग के उधर जख्म हो जाता है या फिर काफी बार कैंसर की शुरुआत भी हो सकती है। काफी बार आप जबान पर देखते हैं एक किस्म का ग्रोथ आया है, वो ग्रोथ ज्यादातर कैंसर का हो सकता है। अब समझ में आया जुबान के अलग अलग रंग सेहत के कौन से राज खोल रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि आप अपनी जुबान की जांच करते रहें। अगर जुबान गुलाबी रंग छोड़ के किसी और रंग की दिख रही है तो ध्यान देने की जरूरत है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। क्या रात में सोते वक्त आपको अपने पैरों में बेचैनी महसूस होती है, आप लगातार पैर हिलाते रहते हैं, जानिए ऐसा क्यों हो रहा है। कई लोग रात में सो नहीं पाते, उनका मन करता है कि कोई उनके पैर दबाता रहे, उन पर बैठ जाए या फिर रस्सी से बांध दे। ये लोग लगातार अपने पैर हिलाते रहते हैं, पैरों में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। ऐसा एक कंडीशन के कारण हो रहा है और इसका नाम है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इसमें पैर की नसों में करंट चलता रहता है। इस कारण जब आप आराम कर रहे होते हैं तो पैर की नसें ऐसा करंट छोड़ती हैं कि मन करता है कि कोई पैर दबाता रहे या फिर हिलाता रहे। अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि जिन लोगों में आयरन की कमी होती है उनमें ये ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा नर्व डिसऑर्डर और विटामिन्स की कमी के कारण भी ऐसा होता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम से ग्रसित ज्यादातर लोगों में ये जेनेटिक होता है। इसका इलाज बिल्कुल पॉसिबल है। आपके शरीर में डोपामाइन नाम का एक हार्मोन होता है, आप इसे एक केमिकल मैसेंजर भी समझ सकते हैं। जब इसका बैलेंस बिगड़ता है तो ये दिक्कत होती है। डोपामाइन को ठीक करने की दवा खाने से आराम मिलता है, ये दवा सस्ती होती है, रात को ही गोली खानी होती है, पर हाँ ये दवा लंबी चलती है। समझे,
अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। जानिए इस फ्लू और वायरल के मौसम में आपको गाजर क्यों खानी चाहिए। आजकल हर दूसरे इंसान को फ्लू या फिर वायरल हो रहा है, मौसम ही ऐसा है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी डाइट में गाजर शामिल करिए। इसमें होता है विटामिन ए, विटामिन सी, जो दूर रखता है फ्लू को। गाजर आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखती है। साथ ही अगर आपको सांस की दिक्कत भी रहती है तो भी गाजर बहुत फायदेमंद है। आप या तो कच्ची गाजर खा सकते हैं या उसे ग्रेट करके पुलाव या फिर खिचड़ी में डाल सकते हैं, सलाद भी बना सकते हैं। आज से हद पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। अब से हर रोज रात 10 बजे आप देख सकते हैं लल्लन टॉप का स्पोर्ट्स बुलेटिन स्पोर्ट्स टॉप, जिसमें होगी दिन भर के खेलों की हर जरूरी खबर। सूचना समाप्त। शुक्रिया। किसको मिली बात, किसने उड़ाया धुआं, दिन भर खेलों की दुनिया में क्या क्या हुआ, हर खबर जिस पर आप करते हैं बात, छोटी से छोटी जानकारी लाएंगे हर रात। लेकर आया है लल्लन टॉप स्पोर्ट्स की खबरों का खास शो स्पोर्ट्स टॉप, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।